नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSP न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। शाहबाद डेयरी का उपचुनाव MCD वार्ड नंबर 32 एन रोहिणी बहुजन समाज पार्टी ने MCD के चुनाव में ओम प्रकाश अंबेडकर को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी ओम प्रकाश अंबेडकर जो आज आपने नामांकन भरा, क्या कहना चाहोगे? नामांकन हम समाज सेवा के लिए किया है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की नीयत से हम चलेंगे और सब समाज के लिए हम काम करेंगे, अपने वार्ड को चमकाएंगे और सभी समाज का हम काम करेंगे। शाहबाद डेयरी के वोट दिया था, उन्हें धोखा मिला निगम पार्षद की तरफ से, जो अब विधायक बन चुके हैं, क्या उस तरीके का तो दोबारा नहीं होगा उनके साथ? समाज अपनी जगह ठीक है, बाकी बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने का काम करती है। आदरणीय बहन जी आशीर्वाद देती है, नेता बनाने का काम करती हैं। समाज उनको सबक सिखाएगा जो हमारी पार्टी को ऐसे धोखा दे के गए हैं। सर, आपको जनता आशीर्वाद देगी तो क्या क्या कार्य करेंगे जैसे जनता को जो बाकी है? जनता का आशीर्वाद मेरे पे बना है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। मैं वहाँ पे सफाई का ज़्यादातर काम करूंगा, शिक्षा का काम करूंगा और नाली का पानी का तमाम सारा सुविधा मैं समाज के लिए तत्पर रहूंगा। राजनीतिक पार्टियाँ आई हैं और काफ़ी लंबे समय से इलाका बसा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी फैसिलिटी नहीं है वहाँ। अभी वहाँ पे जो भी सत्ता में रहे हैं मनुवादी पार्टियाँ हैं, वो पैसे वाली हैं, वो अब गरीबों का ध्यान नहीं देते हैं। हमारी गरीब जनता भोली भाली है, उनको बहका के वोट ले लेते हैं, लेकिन इस बार गरीब जनता ने ताहिया कर लिया है, कसम खा लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को पुनः वहाँ जिताएंगे। आपको खड़ा किया है पूर्वांचल के लिए, क्या करेंगे आप? हम भारत के किसी भी कोने से बहुजन समाज पार्टी मोस्ट वेलकम करती है और हम किसी भी कोने से और सारे हम एक हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सर। वार्ड नंबर 32 में जय भवन उपाध्याय जब छोड़ के चले गए, देखेगी चारों तरफ बिल्कुल समलस पूरी शाहबाद डेयरी, हमारी वार्ड नंबर 32 जो है बिल्कुल परेशान, हर जगह कूड़ा कचड़ा गंदगी इतनी पड़ी थी। एक दिन भाई ने, हम शाम को जा रहे थे, आपको जो अभी कैंडिडेट जो आपके खड़े हैं उनका पूरा भरोसा है कि बिल्कुल जी, अगर उनको सांसद की टिकट मिले फिर अगर वो छोड़ के चले जाए फिर? देखो सर, एक्चुअल क्या है ना, भरोसा तो करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो पहले का आदमी का देख करके ही बाद में के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है जी। अभी आपके वार्ड में निगम पार्षद थे वो, जी जी, विधायक की सीट मिली लेकर चले गए, ठीक है। अब इनको अगर सांसद का अगर टिकट मिलता है तो क्या इसकी गारंटी लेते हो आप लोग कि हाँ बिल्कुल ये आपके साथ है? देखो जी, ओम प्रकाश अम्बेडकर जी पे हमें बहुत भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने शाहबाद डेयरी की हालत देख करके राजनीति में आए, राजनीति करना नहीं चाहते थे। इन्होंने देखा कि चारों तरफ गंदगी है, जो खुद गंदगी से परेशान होकर राजनीति में आया कि नहीं मुझे बिल्कुल विकास करना है, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना है, स्पेशली बाथरूम बनवाना है, शाहबाद डेयरी का विकास करना है, वार्ड नंबर 32 का विकास करना है, वो आदमी कैसे भाग जाएगा? जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है वो नहीं भागता है। जो आदमी ऐसे होता ना लॉलीपॉप टाइप का देखे चला जाता है, जैसे कि केजरीवाल जी हो गए, बीजेपी के हो गए, तो वो भी तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे। देखो एक्चुअल क्या है ना भाई साहब, आपकी बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार क्या है ना कि हर एक आदमी का जो मोनोपोली होता है ना वो अलग होता है। इनको हम जानते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। आपने इनसे मुझसे पूछा कि अम्बेडकर जी कैसे हैं, तब मैंने आपको जवाब दिया ओम प्रकाश अम्बेडकर जी कैसे हैं। मैं औरों के बारे में ना कहते हुए भाई साहब की मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत बढ़िया काम करेंगे। केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल को अगर भ्रष्टाचार की इतनी चिंता है तो उनके जो विधायक है, कई ऐसे विधायक हैं जिन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे लगे हुए हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन पर जो है दागी विधायक है, वो कई लोग रेप केस में चले गए, कई लोग मर्डर वाले हैं, तो ये कहाँ का भ्रष्टाचार रोकने के लिए आए हैं? पहले अगर उनको भ्रष्टाचार साफ करना है तो अपने विधायकों को जेल भेजने का काम करें केजरीवाल सरकार। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार में इतनी पावर होती है, आज MCD के अंदर हमारे वार्ड में हमारा विधायक है, तो इतनी गंदगी है वार्ड के अंदर, क्या विधायक का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना है, अपने वार्ड को देखना नहीं होता है? क्या उनकी इतनी भी पावर नहीं है कि अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई रख सकते हैं? जो विधायक अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई का काम नहीं कर सकता तो उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, आप बताइए। फिर तो अंबेडकर जैसे लोगों को, ओम प्रकाश जैसे लोगों को फिर तो चुनाव में उतरना ही पड़ेगा। जब एक सरकार पूरी तरीके से नालायक और निकम्मी हो जाती है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए और अपने समाज को मद्देनज़र रखते हुए ओम प्रकाश अंबेडकर जैसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के फिर झंडे के नीचे आकर के है ना ललकारना पड़ता है ऐसे विधायकों को। तो आज समस्या इतनी बड़ी है, इतनी गंभीर समस्या हमारे वार्ड की हो गई है कि पूरा वार्ड कूड़ा कूड़ा हो चुका है,
नालियाँ भरी पड़ी हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं नालियाँ, माताएं बहनें परेशान हैं, गंदगी से बुरा हाल है पूरे वार्ड का। तो ये जो निकम्मी जो सरकार है वो भी देख रही है तमाशा, और MCD में जो भ्रष्टाचार मचा रखा है और जो विधायकों ने भ्रष्टाचार इनके मचा रखा है। किस मुद्दे पे जीतेंगे आप? हमारा देखिए, हमारा मुद्दा सबसे बड़ा सफाई का मुद्दा है। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा गंदगी है, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, माताएं बहनें परेशान हैं पूरी तरीके से, झाड़ू लगाने कोई कर्मचारी नहीं आता है वहाँ पर, कूड़ा कूड़ा हो गया ये पूरी सावा डेरी, पूरा वार्ड कचड़े से हो गया। इसलिए इस वार्ड को स्वच्छ बन सीडी का काम बंद, हड़ताल चल रहा है, सैलरी नहीं आई, उनकी पक्का करने का वादा हो गया। जी जी ठीक है, तो आप कैसे झाड़ू लगवाएंगे, किससे झाड़ू लगवाएंगे? MCD के कर्मचारी नहीं, नहीं अगर MCD के कर्मचारी नहीं आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जीत करके हर कार्यकर्ता झाड़ू लगाने का काम करेगा। लेकिन हम अपने वार्ड को स्वच्छ बनाएंगे। हमारे ओम प्रकाश अम्बेडकर जी का कहना है कि चाहे MCD वाले कितना भी हमारे साथ में भेदभाव कर लें, क्योंकि MCD बहुजन समाज पार्टी के साथ में सारी सरकारें हमेशा भेदभाव करती हुई